हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल्स, महिलाओं में सेक्स की इच्छा कमी होना, इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। उसका उपचार क्या हो सकता है, तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लो सेक्स डिजायर या हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर, यह महिलाओं में होती है, महिलाओं में भी होती है, मतलब पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, तो महिलाओं में होती है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 33% महिलाओं को यह प्रॉब्लम होता है, 33%। और हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर या डिसऑर्डर कब बोलते हैं, कि भाई कोई भी व्यक्ति को, महिला को, सेक्स के फैंटेसी नहीं आना, कल्पना नहीं कर सकना कोई सेक्स की, सेक्स के विचार नहीं आना और सेक्स की इच्छा नहीं होना, और कंटिन्यूस काफ़ी हफ्तों तक, महीनों तक। इसकी वजह से फिर बहुत ही डिस्ट्रेस होता है, अच्छा लगता नहीं, बेचैनी होती है, रिश्ते में दुरावा निर्माण होता है, तनाव आता है। अब ये सेक्स में इच्छा नहीं होना, सेक्स करने में, वो हो सकता है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि खुद जब हस्तमैथुन करती है महिला है, तो हस्तमैथुन में भी इच्छा नहीं होना, मतलब कोई भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इच्छा नहीं, हस्तमैथुन बोलो या सेक्स बोलो। अब इसमें उनको एक तो मतलब कारण हम देखते जाए तो ऐसा हो सकता है कि उनको कभी ऑर्गेज्म आया ही नहीं, मतलब कभी वो स्त्री को खुशी महसूस ही नहीं हुई, या वो चरम सीमा पे पहुंचे नहीं खुशियों की, एकदम अत्युच्च आनंद जो मिलता है कभी मिला ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि ऑर्गेज्म क्या होता है, तो एक कारण वो हो सकता है। नीचे यदि दर्द है, वजाइना में सूजन है, लाली आई हुई है, दर्द है, उसके वजह से हो सकता है। शुगर की बीमारी, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, कोई दवाइयाँ चालू है, SSRI ग्रुप की जो दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स, सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सिटीन, एसिटालोपराम, पैरोक्सिटीन टाइप, उससे होता है। फिर कुछ महिलाएं सिगरेट या शराब पीती है, उसकी वजह से होता है। हार्मोनल लेवल कम होने से, मतलब इस्ट्रोजन जो है उसकी लेवल काफ़ी कम हो गई, स्पेशली वो मेनोपॉज के समय बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है। मेनोपॉज मतलब महामारी बंद होना, MC बंद होना, वो अराउंड 45 के उम्र के आसपास हो सकता है, तो हार्मोनल चेंजेस उसकी वजह से। फिर थकान आना, कोई भी बीमारी है या कोई शारीरिक मतलब फिट नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, थकान आ जाना, जल्दी थक जाना। फिर ड्राई हो जाना, यदि रहा ड्राई हो जाना रहा तो फिर बहुत तकलीफ होती है, और फिर उसमें इच्छा होती नहीं है, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर होता है। फिर जब डिलीवरी होती है, तब डिलीवरी में भी कोई भी स्त्री का ज़्यादा ख्याल जो रहता है वो प्रेगनेंसी के ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर रहता है, और फिर उसकी जो सब विचारधारा जो है वो उसके ऊपर ही, बच्चे के ऊपर ये सब विचार, तो प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद में, मतलब प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा होने के बाद में उसको लाड़ प्यार, दूध पिलाना, फिर नींद ठीक समय पे नहीं होना, बच्चा रात को उठना तो रात भर जगना पड़ता है, तो उससे भी होता है। सेक्सुअल अब्यूज़ यदि आपको बचपन में हुआ है किसी को, सेक्सुअल अब्यूज़, लैंगिक अत्याचार, तो एक कारण है। फिर रिश्ते आपसी में ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। अभी इसमें इलाज क्या है, तो इलाज ऐसा है कि बेस्ट थिंग इज काउंसिलिंग। एक तो पहले तपास लो कि भाई कुछ शारीरिक बीमारी है क्या, जो मैंने अभी कारण बताया उसका इलाज करो, एंटी डिप्रेसेंट से बदलो। बुप्रोपियन जो ड्रग है वो अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है, और वो लिया तो सेक्स कम नहीं होता या इच्छा कम नहीं होती। दवाइयाँ बदल डालो, दवाइयों से हो रहा है तो, शराब सिगरेट छोड़ दो, और फिर मेन जो है वो है काउंसिलिंग करना, कि भाई रिश्ते कैसे हैं, दोनों में क्यों निपट रही है, दोनों आपस में बहुत नफरत करते हैं क्या, बस एक रूफ के नीचे रह रहे मगर ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसा कुछ है क्या। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि जिसकी वजह से काउंसिलिंग में फ़र्क पड़ सकता है, फ़ायदा हो सकता है। फ्लिबेनेसेरिन नाम की जो टैबलेट है, वो टैबलेट इसमें दी जाती है, रोज़ सुबह एक लेना है, और उससे काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। ब्रेमेलनोटाइड जो है दवाई, इंजेक्शन, ये जस्ट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी इंजेक्शन लेते हैं, ब्रेमेलनोटाइड, तो ये इंजेक्शन यदि लेते हैं तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि SSRI देखे, मतलब SSRI देखकर यदि हाइपो एक्टिव मतलब सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, वैसा भी उल्टा है कि डिप्रेशन की वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही है, तो SSRI ट्राई कर सकते हैं, उस समय उसका फ़ायदा हो सकता है, मगर SSRI के बदले यदि आप बुप्रोपियन ट्राई करते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। काउंसिलिंग, मेडिकेशंस और अंडरलाइंग फिजिकल कंडीशन, उसकी ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो,
थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।